हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं हाथों पैरों का कालापन दूर करने का ऐसा अद्भुत उपाय, जिसका उपाय करने से आपके हाथ पैर जो हैं कुछ ही दिनों में गोरे हो जाएंगे। अगर उनके आपके हाथों पैरों में जो रूखापन आ गया है, डलनेस आ गई है, काले हैं, गोरे नहीं हैं, बेरुखे से बेजान से नजर आते हैं, तो फ्रेंड्स आप अपने हाथों को चमकीला गोरा बना सकते हैं। तो चलिए आज की रेमेडी स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी वाले बटन को जरूर दबाइए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल सी रेमेडी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो इजीली आपके घर में रखे सामान से बना सकते हैं आप और अपने हाथ पैरों को गोरा बना सकते हैं। दोस्तों, मैं ऐसे ही आपके लिए नए नए टिप्स ब्यूटी लेकर आती रहूंगी, क्योंकि ब्यूटी टिप्स जो है हमारे बहुत ही ज्यादा काम आने वाले होते हैं, क्योंकि हमें पार्लर जाना नहीं पड़ता है और कम पैसों में ही आप अपने चेहरे को, हाथों पैरों को गोरा बना सकते हैं, बेदाग बना सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब व्हाइट वाला नमक लिया है, जो आप अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ वही नमक आपको लेना है। इसके बाद आपको दूसरी चीज लेनी है, कोकोनट ऑयल। आप किसी भी कंपनी का कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। और हमने आधा चम्मच नमक लिया है, तो फिर इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब कोकोनट ऑयल। दोस्तों, इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से आप मिला लेंगे। नमक क्या है, हमारी स्किन को जो है स्क्रबिंग का काम करेगा, और जो नारियल का तेल है वो हमारी स्किन से रूखेपन को हटाएगा। तो दोनों चीजों को हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। इसको मिलाने के बाद में आपको इस तरीके से इसको अप्लाई करना है, ऐसे ले लीजिए और अपने हाथों व पैरों पर इससे आपको 6 से 7 मिनट तक स्क्रब करना है। खूब अच्छे से स्क्रब कर लीजिए। आप जितनी ज्यादा देर स्क्रब करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से कर लेते हैं। करने के बाद में आपको करना यह है कि अपने हाथों पैरों को ठंडे पानी से नहीं धोना है, आपको हल्के गुनगुने पानी से अपने हाथ व पैरों को वॉश कर लेना है। और ऐसा आप हफ्ते में 2 से 3 बार करके देखिए, आपको 2 से 3 बार में ही काफी अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे। और फिर आप इसको महीने में भी कर सकते हैं।